तक पहुंचे आप लोग आराम से, बस उतने ही तक सब पहुंचे। आपके क्रांतिवीरों ने क्रांति ला दिया, क्या चाहिए आपको। चारों सब्जेक्ट घर खड़े थे, सीट नहीं मिल रहा था, महादेव का सुन ज्यादा लग रहा था सब। हां नर्वस ही हो रहा सही में, पता नहीं कोई नर्वसनेस की बात नहीं है। अंदर जाके फोड़ के ना, जो सर से पढ़े हैं तो फिर क्या दिक्कत है। ये भी बात सही है, कहीं और से पढ़ना होता तो बस उसने होता, जो सर से पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं। सर कैसा गया पेपर? सामने से देख के तो लग ही नहीं रहा है। अच्छा सेकंड फेज में है, ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम के लिए, ठीक है। आपका भी सेकंड फेज में है, जाइए, ऑल द बेस्ट आप लोगों को। थैंक यू सर, और बहुत अच्छा सर, फोर के आइए, ठीक है। खुश रहिए बाबू, ठीक है। क्या भैया, ठीक है, तो क्या करिएगा, वो तो एनटीए के मन पे है, क्या पूछेगा नहीं पूछेगा वो एनटीए के मन पे है। आइसलैंड वाला जो आप, हाँ सर, आइस लगा के शांति मिलता है तो वो आया। अच्छा वो आया था, आइसक्रीम खा सर। कैसा गया पेपर सर? अच्छा गया, लास्ट में जो जनरल टेस्ट था सर उसमें प्रॉब्लम थी, टाइमिंग कम था, ऊपर से एक बार कंप्यूटर बंद हो गया था। कितना क्वेश्चन किए जनरल टेस्ट में आप? 40 ऊपर किए ना। चलिए सब लोग इसी के आसपास हैं, थोड़ा पेपर लेंदी था जनरल टेस्ट का ना, जनरल टेस्ट का लेंदी था, बाकी तो हिस्ट्री वगैरह। हिस्ट्री का कैसा गया? वो अच्छा गया, अच्छा गया, और साइकोलॉजी भी बहुत अच्छा गया। साइकोलॉजी अच्छा गया, कैसी हैं पेपर हुआ? अरे बड़ा प्यारा टोपी है तुम्हारा भाई। नमस्ते बाबू, कैसा गया पेपर? कैसा गया पेपर? बहुत अच्छा था, करंट अफेयर से क्वेश्चन ही नहीं पूछा था, सिर्फ सीएम नहीं पूछा था। एनटीए की शिकायत करो ये। सिर्फ सीएम पूछा था और लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे थे। अब ये तो ये एनटीए बताइए, लिखा था ना बोल्ड लेटर में सिलेबस में करंट अफेयर? लिखा था लेकिन सर नहीं पूछा था, कुछ भी नहीं, उसका मन है ना। बस राइटर ने पूछा था नीरज चोपड़ा का। अच्छा वो गोल्डन बॉय वाला बुक जो है, पढ़ाए थे वो क्वेश्चन? वो पूछा था, वो भी एमसीक्यूज में पूछा। जो पूछा वो कैसा बनाइए बताइए, जो पूछा वो कैसा बनाइए। वो सही था सर, मैक्सिमम आपकी पढ़ाई खूब खुश बना दिए ना बस। तो हम शुरुआत से ही बोले थे आपको पेपर हुआ, रीजनिंग मैथ अच्छा गया, ये तो बोले थे ना। रीजनिंग अच्छा था सर, रीजनिंग आदि का था, डायरेक्शन से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था, कैलेंडर से भी सेम आया था। हां क्वेश्चन में कैलेंडर से भी एक आया था, बना देने सर। हां ऐसे सर आप तो सिर्फ एलसीएम से आया था और परसेंटेज से ज्यादा सब पढ़ाया हुआ आया था। नमस्ते बाबू, सर एक फोटो मेरा नाम सर। नमस्ते, खुश रहो। कैसा गया पेपर? रीजनिंग सारा आया था, खुश रहे। ज्योग्राफी बहुत अच्छा था और सोशियोलॉजी भी जितना पढ़े थे उसमें से आया था। सोशियोलॉजी आ गया था लास्ट के दिनों में, आप लोगों को सोशियोलॉजी की भी डिमांड पूरी कर दी थी। जैसे नहीं होता है, अंतिम इच्छा बताओ क्या चाहिए। और हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आए थे सर, पॉलिटिकल साइंस के भी आए थे। डोमेन हिस्ट्री भी था आपका? नहीं सर, हिस्ट्री वो जीएस वाला। अच्छा जीएस में हिस्ट्री आया था, जीटी पोर्शन में क्या पूछा था सर? वो करंट अफेयर्स पढ़ाए थे, वो डॉग वाला करंट अफेयर्स वो आया था। सर सेठ फिल्म का पुरस्कार किसके मुझे? और वो पापा आपके जाएंगे, ये फोटो खींचेंगे, परेशान है सर। आइए सर, ऐसा क्या, ठीक है। अच्छा अभी आपका है, आपका अलग चेहरा लग रहा है, तुम टेंशन में लग रही हैं। इन दोनों का एग्जाम, अरे पहले देखो इन लोगों कैसा गया एग्जाम, देखो तो क्या करिएगा, वो तो एनटीए के मन पे है, क्या पूछेगा नहीं पूछेगा वो एनटीए के मन पे है। आइसलैंड वाला जो आप, हां सर आइस लगा के शांति मिलता है तो वो आया। अच्छा वो आया था, सर वो जो इसीलिए हम कहते हैं ट्रिक के थ्रू याद करेंगे तो भूलेंगे नहीं क्वेश्चन। सर एकदम एकदम तो वो दिमाग में सर, वो ट्रिलियन मिलियन वाला ऑप्शन साथ दे दिया था, ऑप्शन के साथ एकदम ऑप्शन साथ दिया था उसमें। अच्छा ट्रिलियन मिलियन वाले में तो हम पूछे क्या लगाए तो कहीं कुछ भी लगा दो। इंग्लिश वाला नहीं देखे थे चेक करके? इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन चेक किए थे? इंग्लिश में सर बैल इधर आओ भाई, इधर आओ, गजब बात है, तुम लोग बैल इतना दिन के बाद मिले हो तुम लोग। आपके क्रांतिवीरों ने क्रांति ला दिया, बहुत बढ़िया। कैसा गया पेपर? बहुत बढ़िया, बढ़िया गया। क्या क्या था? हिस्ट्री था मेरा, जनरल टेस्ट में है, देख रहे हो। हिस्ट्री कैसा गया? हिस्ट्री बहुत अच्छा गया, इजी क्वेश्चन था, मतलब सबसे ज्यादा हमको लग रहा है उसी में किया। और रीजनिंग भी एकदम हुआ था, इंग्लिश थोड़ा टफ लग रहा था, पढ़े भी नहीं थे उसके लिए हम।
जनरल टेस्ट में क्या क्या था? जनरल टेस्ट में आधा घंटा मैथ्स नहीं था, लेकिन ज़्यादा पूछा था। रीजनिंग बहुत इजी था, रीजनिंग हद से ज़्यादा इजी था, मैथ्स थोड़ा लेंदी था, मैथ थोड़ा लेंदी था। 50 तक पहुँचे आप लोग आराम से? बस उतना ही सब, उतना ही तक सब पहुँचे। आपके क्रांति वीरों ने क्रांति ला दिया, क्या चाहिए आपको? चारों सब्जेक्ट खड़े थे, सीट नहीं मिल रहा था, महादेव का सुन ज़्यादा लग रहा था सब। बहुत अरे आ जाओ तुम लोग, आ जाओ भाई आओ। अरे आ जाओ पवन सर घर चले गए। कैसा गया पेपर ये बताओ, देख के तो लग रहा अच्छा ही गया। खुश रहने चले गए पेपर कैसा था बताओ। सुबह से बोल रहे थे सूरज सर आएंगे। देखो तुम्हारे करण अर्जुन आ गए। बहुत शानदार। चलो चलो नीचे चलो। नमस्कार। नमस्ते भैया। और अच्छे हैं सर? अच्छे बाबू। एग्जाम अभी सेकंड फेज में आपका है? सेकंड फेज है। आपका भी सेकंड फेज में है? बीस तारीख 20 तारीख को है। जाइए, ऑल द बेस्ट आप लोगों को। थैंक यू सर। और बहुत अच्छा सर, फोर के आइए, ठीक है? खुश रहिए बाबू, ठीक है? क्या भैया, ठीक है? मुझे पूछना था कि मालवीय एकेडमी में सर आपने डाला था रिक्रूटमेंट के लिए टीचरों के लिए, ग्राफिक डिजाइनरों के लिए सर ऑप्शन है? अभी आएगा बाबू, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आएगा ना, तो उसमें अभी भाई बहुत टेंशन हो रहा है सर इस वाले में। मैं तो अभी एग्जाम देने जाना है ना, जाइए अच्छा करके आएंगे, परेशान मत होइए, ठीक है? एकदम चिंतित मत होइए इस चीज़ से, जो आएगा सबके लिए अच्छा आएगा। कुछ भी कम करेंगे ना, देखिए जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के वो क्या करते हैं आपको बताते हैं, वो मैथ्स बना लेते हैं, बाहर निकलते हैं कहते हैं मैथ्स है ही नहीं, मतलब मैथ्स ही ज़्यादा था, क्योंकि वो उन सेटिस्फाइड हो गए हैं। 75 में 60 ही करना है, तो आप अगर आगे और बढ़ेंगे तो आपको 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जीके के दिखेंगे, ऐसा नहीं दिखेंगे नहीं, ठीक ना, क्वेश्चन दिखेंगे। तो आराम से आप 75 क्वेश्चन पेशेंसली पलटिएगा पहले, ठीक ना। एक क्वेश्चन नहीं आएगा, दो नहीं आएगा, तीन नहीं आएगा, चार नहीं आएगा, पांच नहीं आएगा, परेशान नहीं होंगे। 10 से भी आएगा तो भी, तो उसके बाद भी 5 क्वेश्चन ऐसे चाहिए जो कि नहीं बनाने हैं। 75 में 60 करना है, तो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो परेशान नहीं होना है। और लोग बता रहे हैं 50 करके आएँ, तो आप ऑन एन एवरेज करके आएंगे क्वेश्चन, ठीक ना। रीजनिंग आसान आपका दे रहा है, रीजनिंग किया ना क्लासेस अच्छे से, तो रीजनिंग करके आएंगे आप। अच्छा मैथ्स में ये बताइए, आप जितना भाग रहे हैं उतना सब भाग रहे हैं, तो सबका दिक्कत होगा ना, ठीक ना। ये भी पढ़ा है सूरज भाई तुमसे। सर आपकी सारी क्लास की है और सौरभ सर की भी की है। कैसा गया पेपर? ठीक गया सर। अच्छा गया, चलोगे ना? नमस्कार सर जी, नमस्कार। अच्छा गया, इसको पहले इसको बताओ, ये डर रही है एकदम। इनको क्या हो गया, क्यों डर रही है? इसमें डरना, अभी सेकंड में फेज में एग्जाम है। अभी मेरा भी सेकंड फेज में एग्जाम है। तो कैसे, अच्छा गया बोली? हाँ बहुत अच्छा गया। अभी हो गया एक फेज का एग्जाम? हाँ हो गया। अच्छा, पॉलिटी लीगल स्टडीज हिंदी था और जीटी था। तो पहले इनको समझाइए डरे ना, क्या हो गया ये, क्यों किसी को अलाउ नहीं था, बच्चे हार रहे, हर महादेव इतना चिल्ला रहे थे सब लोग। और पता है हम लोग का 20 मिनट लेट से स्टार्ट हुआ एग्जाम, मतलब जो टाइमिंग था 9 बजे से उसके 20 मिनट के बाद। तो आप लोगों को इतना क्रांति कर दिया गया था कि आप लोग समय ले लेते उनसे एक्स्ट्रा? हाँ हम लोग बोले कैसा गया पेपर? सामने से देख के तो लग ही नहीं रहा है। अच्छा सेकंड फेज में है, ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम के लिए, ठीक है? आपका भी सेकंड फेज में है, टेंशन देख के लग रहा है चेहरे पे सेकंड फेज में एग्जाम है। सर ये काल्पनिक लग रहा है, मुझे सामने देख रहा है अभी, कल शाम तक भी। अरे भाई रियल कैरेक्टर है, काल्पनिक क्यों बना रहे हो? देखो बहुत अच्छा गया। अच्छा गया, देख रहे हो कितने बच्चे मिल रहे, सब अच्छा गया। अब जाएगा अच्छा ना, पर एकदम सर बाबा ने क्वेश्चन किए, टाइम चला गया। क्या बोला बाबा ने किए, हम क्या बोले थे? अभी 50 करके आना सर पेपर, बताओ 25 क्वेश्चन छोड़ना है। पेपर बहुत लेट स्टार्ट कर, कुछ क्वेश्चन बस स्लो खुल रहा था, तो टाइम आप लोग मांगे थे एक्स्ट्रा? आप बोल रहे थे कि नहीं दे रहे हैं, तुम लोग का पेपर तुम लोग समझो। एक लड़की का तो बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, बेचारा पता नहीं एग्जाम दे। आप लोगों को बोले थे ना सपोर्ट करिए, क्योंकि गलत देखिए किसी के साथ भी हो सकता है। अभी कोई क्वेश्चन जो बड़ा क्वेश्चन उसका पार्ट बगल का पार्टी कटा हुआ है, कुछ समझे नहीं, क्वेश्चन कुछ समझ में ऐसे ही नहीं आ रहा था। लेकिन देख के मुझे लग रहा है अभी कब तक का आदमी देख जो पैसी वाली बोर्ड पढ़ा रहा क्वेश्चन, तो पूरा ऐसा ही था, बिलीव नहीं हो रहा कि ऐसे सामने मिल रहे हैं, पता नहीं अजीब लग रहा है ऐसे कि सामने मिल रहे हैं।
ये लड़की हमको काल्पनिक पात्र बना दी, कहीं काल्पनिक लग रहा है। आप ओरिजिनल कैरेक्टर हो, आप मतलब सब कुछ हो, लेकिन मतलब हम पहली बार देख रहे तो लग रहा है जैसे कि मतलब हम समझ रहे हैं आपकी इमोशंस को, समझ रहे हैं, लिख देना एडिट करके काल्पनिक पात्र। जरूर जरूर, मतलब चाहेंगे कि आप ऐसा कर देंगे तो मतलब बहुत बड़ी बात होगी। हमको मेंशन कर देना इंस्टा पे, हम रिपोस्ट कर देंगे काल्पनिक पात्र लिख के। फॉलो बैक ही करेंगे तभी तो, मैं क्या पता हम तो कब से की रखे, लेकिन आपको कभी कुछ सीन ही नहीं करते हैं तो हम क्या बताएं। मेरा तो आप कमेंट भी नहीं पढ़ते हैं कभी। नहीं ऐसा नहीं होता बाबू, देखिए क्योंकि 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 अभी देखिए इंस्टा जो है, देखिए हमारा जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो हमारी ऑफिस भी देखती है। अब आपको हम अभी दिखाएं, आप खुद देख के बताइए कितने मैसेजेज होंगे। बस अब देखिए सिर्फ खोल दे रहे हैं, ये देखिए अब ये देखिए मैसेजेस सिर्फ अगर देखेंगे, देखिए हर मिनट आपको मैसेज दिखेगा, ये देखिए अब इतना किसका ध्यान दे सही बात। तो ऑफिस जो है वो देखते रहते, देख रहे हैं कितना 100 मैसेज है, ये सब जो है ऑफिस रीड करेगी। तो ऐसा नहीं आप लोगों को मैसेज नहीं आते हैं, जो क्वेरीज होती है वो हम तक पहुँचते हैं। तो सीन सब होता है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, जैसे आप लोगों ने टैग किया तो कई बार उस पर हम लोग रिपोस्ट नहीं करते हैं या रिस्पॉन्स नहीं करते। कैसा क्या एग्जाम आपका? आपका टेंशन देख के लग रहा है कि देने जाएंगी आप, देने जा रहे हैं, क्योंकि मिलने वाली खुशी दिख रही है लेकिन एग्जाम वाले टेंशन भी दिख रहा है। लेकिन सब तुम लोग कैटेगरी के हैं, देख रहे हो तुम लोग कैटेगरी के हैं, ये सब देने वाले एग्जाम है अब, लेकिन खुश होकर जाना सर। अच्छा जाएगा हम लोग का, आपका आशीर्वाद दिया है कि एग्जाम अच्छे से निकलेगा। आपका वेट कर रही थी, मेरा पिछली बार भी यही आया था एग्जाम सेंटर, लेकिन उस दिन आप लोग से अशोका शूट चले गए थे। एक ही दिन अशोका गए, उसके बाद कई कंप्लेन आए 19 तारीख को मेरा, और बाकी हर जगह से कंप्लेन आ रहा है हम लोग हमारे सेंटर पर आप नहीं आ रहे। लेकिन आपका हिस्ट्री का जो थी मेरा डोमेन अच्छा गया था ना, आपका पढ़ाया हुआ सारे क्वेश्चन आए थे। 10 क्वेश्चन का छोड़ने के लिए बोले हैं सर। हाँ 50 क्वेश्चन में 40 ही करना है आपको डोमेन में, और 75 में 60 क्वेश्चन करना है जनरल टेस्ट में। तो क्वेश्चन ऑप्शनल है, कुछ छोड़ सकते हैं। आज तो अभी केवल 50 वाला ही रहेगा ना, ये तो बच्चे का डिपेंड करता है किसका एग्जाम है। अच्छा बीएफए का है तो 40 करना होगा। 40 10 कोई भी छोड़ 10 छोड़ सकते कोई भी।